यहाँ से हमला ख़वान ने इस सेंटर में आना होता है यहाँ पे कोई आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है पता नहीं कुछ छलांग लगा के आती हैं ये क्या करती हैं देखे, ये देखें देखे, कूड़े के ढेर बाहर पड़े हुए हैं भाई ये दिखाइएगा तो ये देखें ये कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं उस तरफ कूड़े के ढेर पड़े में पीछे जो बना हुआ है ये ख़ातून बड़ी मुश्किल जो है पार करके गई हैं अब हम भी जाते हैं और आपको जचा बच्चा सेंटर भी दिखाते हैं हाँ जी आपके पास जो ये पेशेंट्स आते हैं जो हमला ख़ातें आती हैं वो कैसे आती हैं

के अंदर लेके चलते ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ यहाँ से, हुए। ये अपने पैसों से मैंने है, है और गेट ऊंचा की है अच्छा तो हुत तो नहीं देती है अब देखे हम इतने आपके अंदर भी उसी तरह पानी था हाँ हाँ मूविया दिखाती ये भी निकलवाया पानी है वो आपने पानी अभी मोटर मोटर मैं मैं दिखाती हूं आपको ना ये देखे। ये, देखे। ये बच्चा सेंटर है बता रही कि यहां पे भी चार -चार फुट पानी था पानी क्यों ना हो क्योंकि नाला जो है दस फुट ऊंचा है और जो घर है वो दस फुट नीचे हैं और ये देखे। ये देखे बच्चा में आज भी वो नलके वो लगे हुए है ले लिया ने इधर इंजेक्शन हमला औरतों कर बच्चों को टीके तो बैठने की लेटने को जगह तो वो उन्होंने ये सारा पानी आया बाहर से ये देखे नाजिन ये इतनी यहां पे ये डस्ट नी, ये नीचे क्या मट्टी सारे बाहर से आई है पानी, पानी आया तो अभी निकल तो अभी निकलवाया तो फिर दिलवाऊंगी फिर शाम को भूत बंगले का एक मंजर पेश कर रहे हैं मुफ्त हवास्ती टीकों का मरकज यहाँ पर बच्चों और हमला खात को मुफ्त हवासी टीके लगाए जाते हैं खुदा का वास्ता ये देखें ये लाइट क्या मंजर पेश कर रही है ऊपर बाले डले में है लेंटर नहीं मौजूद और ये देखे ये यहाँ पे आप टीका कैसे लगाती हैं क्या मतलब खड़े करके यहाँ पे तो स्ट्रेचर को ये नाजिन ये वो आ, एक बेंच टाइप मौजूद है और इसको बता रहे हैं कि स्ट्रेचर बना लेते हैं यहीं पे लौटा लेते हैं यहीं पे जो है उनको बिठा के टीके लगाए जाते हैं वो देखें ये कॉर्नर दिखाएं ये यहाँ पे ये सीढ़ी पड़ी हुई है और तो वो से भी है ना। तो अच्छा ये देखें ये हालात हैं एक जच्चा तो बच्चा, तो से बच्चा तो सेंटर छत तो आता है छतों से भी पानी आता है दिकने 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 दिकने। और इधर से भी सारा पानी ये देखें नाजीन इसकी यहाँ की जो व्हाइट वॉश देख लें आप यहाँ के रंग और रोगन देख लें

जनूबी पंजाब या कुछ हिंद के दूर दराज इलाकों में जहाँ पर अभी तक जो है सहूलियत नहीं पहुँच सकी वहाँ पर मौजूद हैं कि ये देखें कि ये इन्होंने एक ये रज़ाई और ये बिछा के एक टेबल को स्ट्रेचर बनाया हुआ है ये ऊपर ये देखें कि जो लोग नॉर्मली अपने वो खाने के नीचे वो एक शीट के तौर पर यूज़ करते हैं वो ये बेड बनाया गया यहाँ पर बैठ के ये एक ख़तून को फांसी टीकिया लगाती हैं जो भी उनको फर्स्ट एड दी जाती है ये इनकी वो ये दिखाइएगा ये किट है इसमें क्या दिखाई अभी वो लगा रही थी ना मैं बैठ के उनके साथ इधर पानी था ना पे आप जो हाँ उनके साथ बैठ बैठ के हाँ जी, हाँ जी, के जी जी उधर ये देखें देखे मौजूद हैं यहाँ पे बकायदा तौर पे हालात आप देख लें कि जाले लगे हुए हैं ये वो सहूलियात हैं जो इन्हें पंजाब हुकूमत ने दी है जो यहाँ पे बैठ के ये लोगों को ट्रीट कर रहे हैं और ये वो वॉशरूम भी दिखा दें जी ये वॉशरूम दिखा दें वॉशरूम का क्या हालत है के जो, सारा गंदे से जो सिंक है जो गंदे पानी से, जाते हैं, हाँ जी? मैं गंदे से जाते हैं ये सारे हाँ। निकासी का कोई इंतजाम नहीं है बाहर का जितना पानी है ना जी गंदा वो सारा अंदर आ जाता है, हाँ। ये हाँ। है हाँ। तो ये एक बेसिक जो फैसिलिटीज हैं पंजाब हुकूमत की जानव से यहाँ पे बुर्ज अटारी के लोगों को दी गई है कि ये वो बेड है ये वो स्ट्रेचर है जिसपे लटा के ये किसी हमला खतून को चेकअप करती हैं उनको जो बेसिक उनकी मामलात होते हैं उनको देखती हैं फांसी टीके लगाती हैं दीवारें देख लें ये दूसरा उनका रूम है वो देख लें और बता रही हैं कि यहाँ पे तीन तीन चार चार फुट पानी हाँ जी। खड़ा हुआ था और अपनी आ, अपनी जेब से पैसे लगा के अपनी जेब से पैसे लगा के ये पानी बाहर निकालें ये देखिए ये नाला है ये नाला है और ये देखें ये जो ये निकलवाया मैंने पर, ये जो एक भूत बंगला है इसको यहाँ पे बचा सेंटर का नाम दिया हुआ है साथ ही यूनियन काउंसिल का दफ्तर है उनका भी यही हाल है उसके पहले हमने आपको जो आ, बेसिक हेल्थ केयर सेंटर है बेसिक हेल्थ यूनिट है वो भी दिखाया है और ये ये जाता इधर से आता जाता आता जाता। मैं समझ हूँ ये मुनाजिर वो खंडरा आते हैं ये वो खंडरा आते हैं जो तरक्की याफ्ता प्रोजेक्ट के नाम पे यहाँ पे जो हेल्थ वर्कर्स वर्कर उनको दिया गया है हाँ? यहाँ पे अंदर मैं डॉक्टर साहिबा से मिलके आया हूँ वो बात नहीं करना चाह रही थी ये उनकी अपनी मतलब के रजामंदी के साथ ही उन्होंने बात करनी थी लेकिन मैं उनके कमरे का हाल देख के आया आदा कसम रोना आ रहा था शर्म आ रही थी शर्म आ रही थी कि वहाँ पे जो दीवारें जो मंजर पेश कर रही थी एक भूत बंगले का आलम था ये सारा पानी था शापर रख है पानी रोकने के लिए वो बता रही है कि ये मैं वो प्लास्टिक की शीट्स नीचे लगाती हूँ लेकिन फिर भी आप देखें कि जब दस फुट ऊंचा नाला है और नाला भरा हुआ है नाला जब पानी उगल रहा है तो ये घर का क्या आलम होगा और जो अंदर एक जचा बच्चा सेंटर में जो बुनियादी सेहत की सहूलियात दी गई हैं वो आपने देख ली है और आपको इस नाले का भी विज़िट करवाते हैं और आपको दिखाया भी है पहले कि किस तरह से यहाँ पे कूड़े के ढेर लगाए गए हैं यहाँ पे एक आ, नाला चल रहा है और ये नाले का पानी जो है लोगों के घरों में जा रहा है और ये यार ये गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं बेसिकून ये देखें ये पॉलिटिशियंस की तस्वीरें लगी हैं अभी इलेक्शन गुजरे हैं लेकिन इलेक्शन से पहले ये हाल है इलेक्शन से पहले इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल नहीं किया गया नॉर्मली देखते हैं कि पाकिस्तानी अवाम की तभी किस्मत खुलती है जब इलेक्शन आते हैं उससे पहले जो ये पॉलीटन हजरात होते हैं ये तरक्याती काम करवाते हैं लेकिन ये इलाका इतना बदकस्मत है कि इलेक्शन दो हज़ार चौबीस से कबल भी यहाँ पर कुछ नहीं हुआ और ये देखें ये वो बेसिक्स जो है सहूलियात दी गई हैं यहाँ से एक मास्टर फ्रेम दिखाएँ ताकि शायद किसी को शर्म आ सके शायद किसी की जो कान पे कोई जूं जो है रिंग जाए और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा आप इधर थोड़ा सा आगे आए कैमरामैन से कि ये देखे ये स्कूल सेंटर का लिखा हुआ है और मैं दिखाऊंगा कि अंदर दीवार दिखाएं ये दीवार दिखाइएगा दीवार के अंदर से दिखाइएगा ये देखें ये है जी गवर्नमेंट स्कूल की जगह और ये है बुनियादी मरकजी सेहत सेंटर की जगह